छतरपुर जिला चिकित्सालय में एक बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अभिभावक थाना ईशानगर अंतर्गत कुर्रा के निवासी हैं। फिलहाल परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सिविल सर्जन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छतरपुर से शुभम सोनी की रिपोर्ट। मरीज का खुद ने सामने जो बयान दिया है वो आप लोगों ने सुना है, और यदि किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कोई प्रकार की अनियमितता पाई जाती तो उसके ऊपर हम जाँच कार्रवाई करेंगे। छतरपुर जिले के तहसील महाराजपुर के किसानों ने तहसील को सूखाग्रस्त घोषित कर मुआवजा देने और विद्युत समस्या को लेकर धरना दिया। कांग्रेस नेता के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे किसान। आज आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? आज हमारे किसान साथी, हम भी एक किसान के बेटे हैं और किसान हैं, और हमारे पूरे क्षेत्र के किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या आई है। आज विकराल समस्या है बारिश की। आज बारिश इस क्षेत्र में क्या पूरे जिले में नहीं हुई है, इसके बाद भी सूखा घोषित नहीं किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हम किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस कारण हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार।